अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि हाउ वी कैन डील विद एक्सेल फाइल्स यूजिंग एक्सेलएस राइटर मॉड्यूल। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ अनदर मॉड्यूल, दैट इज ओपन पाई एक्सेल। एंड इसके अलावा वीडियो के एंड में मैं पूछूंगी आज क्विज का क्वेश्चन नंबर 10। इट मीन्स हम लोग का जो कॉन्टेस्ट चल रहा था ऑनलाइन कॉन्टेस्ट, उसका लास्ट क्वेश्चन है ये। अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, एक कॉन्टेस्ट चल रहा था जिसमें मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे थे। अगर आपने उनके आंसर्स नहीं किए हैं तो प्रीवियस 10 वीडियोज पर जाइए, हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन मैंने पूछा है, उनके आप आंसर कीजिए उसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में। सो आज मैं पूछूंगी क्विज का क्वेश्चन नंबर 10। सो आपने अभी तक आंसर नहीं किए हैं तो जाइए कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि विनर्स को मिलेंगे अमेजिंग कैश प्राइजेस। ओके, सो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन ओपन पाई एक्सेल एंड एक्सेल राइटर मॉड्यूल। तो एक्सेल राइटर मॉड्यूल तो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओपन पाई एक्सेल। सो फर्स्ट लेट मी डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन देम। सो फर्स्ट डिफरेंस इज, अगर आपको कोई केवल XLSX फाइल क्रिएट करनी है तो आप यूज़ करेंगे एक्सेल राइटर मॉड्यूल का। बट इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसी फाइल क्रिएट करनी है जिसका एक्सटेंशन क्या है, XLSX हो सकता है, XLSM हो सकता है, XLTM हो सकता है एंड XLTX हो सकता है, अगर इन एक्सटेंशन वाली फाइल्स को आपको क्रिएट करना है तो आप यूज़ करेंगे ओपन पाई एक्सेल मॉड्यूल का। सेकेंड थिंग, ओपन पाई एक्सेल मॉड्यूल के थ्रू आप चाहें तो किसी न्यूली क्रिएटेड फाइल पर वर्क कर सकते हैं, मीन्स उस पर रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एंड अगर कोई एग्जिस्टिंग फाइल है सिस्टम में उस पर भी आप रीड एंड राइटिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। बट यूजिंग एक्सेल राइटर मॉड्यूल यू कैन perform read and write operations only on newly created file, जो कि आप create करेंगे किस module के through, Excel Writer module के through। That is the main difference between these two modules। तो सबसे पहले ओपन पाई एक्सेल मॉड्यूल यूज़ करने से पहले हमें उसको इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए हम जाएंगे फाइल पर, सेटिंग पर, प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर पर, और यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपको क्या करना है, प्लस साइन पर जाना है, यहाँ पर आप लिखेंगे ओपन पाई एक्सेल एंड इंस्टॉल पैकेज। ओके, अब सेकंड स्टेप क्या होगा, हमें क्योंकि यूज़ करना है इस मॉड्यूल का तो हम इसको इम्पोर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे इम्पोर्ट ओपन पाई एक्सेल एंड वी विल यूज़ इट एज ओपी। अभी सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई एग्जिस्टिंग फाइल है आपके पास तो उस पर कैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पर एक फ़ाइल बनाई हुई है ए नाम से, ए डॉट XLSX, एक एक्सेल फाइल है जिसमें मैंने यहाँ पर कुछ डेटा लिखा है और यहाँ पर केवल एक शीट अवेलेबल है, शीट 1। ठीक है, तो जैसे कि हमने एक्सेल राइटर मॉड्यूल में भी पढ़ा था कि अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है एक्सेल फाइल पर तो वो क्लोज होनी चाहिए, अगर वो ओपन होगी सिस्टम में तो दैट विल क्रिएट एन एरर। तो इसलिए हम इसको क्लोज कर देते हैं एंड देन हम इस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, क्योंकि आपको इस एक्सेल फाइल पर, ए डॉट एक्सेल फाइल पर आपको वर्क करना है तो हमें इसको पहले लोड करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक फंक्शन का यूज़ करते हैं, दैट इज़, एंड यहाँ पर हम पैरामीटर में पास करते हैं द पाथ ऑफ द फाइल जिस पर आप वर्क करना चाहते हैं। तो देखिए, डेस्कटॉप पर सेव थी मेरे पास ए फाइल, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसका पाथ दिया है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है, जब भी आप पाथ देंगे तो यहाँ पर आपको डबल स्लैशेस का यूज़ करना है। अगर आप सिंगल स्लैश का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर एरर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो लोड वर्कबुक फंक्शन ने क्या किया, इस फाइल को जो यहाँ पर आपने पास की है पैरामीटर में, इस फाइल को लोड कर दिया एंड इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करके किस में असाइन कर दिया, सी में। नाउ यू कैन वर्क ऑन दिस फाइल। ओके, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया और ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, क्योंकि हमारे पास कोड कितना आ गया, एग्जिट कोड 0। नेक्स्ट वी वॉन्ट टू प्रिंट द नेम ऑफ ऑल द शीट्स अवेलेबल इन एक्सेल फाइल। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक फंक्शन का, दैट इज़ शीट नेम्स फंक्शन। तो हम लिखेंगे प्रिंट शीट नेम्स एंड इसको हम किस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, सी के थ्रू, क्योंकि जो आपने एक्सेल फाइल बनाई है उसका ऑब्जेक्ट किस में क्रिएट हुआ है, सी में। तो इसलिए हम लिखेंगे सी डॉट शीट नेम्स, इसको एग्जीक्यूट किया, ये देखिए हमारे पास आउटपुट में आ गया शीट 1।
क्योंकि वहाँ पर केवल एक ही शीट अवेलेबल थी। अभी देखिए यहाँ पर मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ, तो आउटपुट पे मेरे पास आया है शीट वन, शीट टू एंड शीट थ्री, क्योंकि मैंने यहाँ पर दो शीट्स को क्रिएट कर दिया है। यहाँ पर टोटल थ्री शीट्स हैं, तो इसलिए जितने भी यहाँ पर शीट्स अवेलेबल थी उन सभी के हमारे पास नाम आ गए हैं। अब बात आती है कि क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तीन शीट अवेलेबल हैं, तो हम कैसे सेलेक्ट करें कि हम किस शीट पर वर्क करना चाहते हैं। हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम पहले, एंड देन यहाँ पर हम लिस्ट में नाम देंगे उस शीट का जिस पे हम वर्क करना चाहते हैं। तो लेट सपोज हम वर्क करना चाहते हैं शीट वन पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पास किया शीट वन, एंड इसके लिए जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो हम असाइन कर लेते हैं एस में। अब हम जो भी वर्क करेंगे, कुछ भी राइटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो वो सभी के सभी ऑपरेशंस कहाँ परफॉर्म होंगे, शीट वन पे। अब नेक्स्ट हम चाहते हैं टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ अ सेल, तो सेल की वैल्यू हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन का यूज़ करते हैं, दैट इज़ सेल फंक्शन। कैसे हम उसका यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे, देखिए शीट कौन सी है, एस है, उस शीट के लिए जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वो किस में हुआ है, एस में, तो इसलिए हम जितने भी अब फंक्शंस यूज़ करेंगे उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का, एस का। तो हमने लिखा एस डॉट सेल, सेल फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, एंड अब यहाँ पर हम ब्रैकेट में फंक्शन में पास करेंगे दो पैरामीटर, दैट इज़ रो वैल्यू एंड कॉलम वैल्यू, जिसकी भी वैल्यू आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो जैसे मैंने लिखा रो इज़ इक्वल्स टू वन कॉमा कॉलम इज़ इक्वल्स टू टू, एंड इसकी वैल्यू को मैंने असाइन किया एक वेरिएबल एक्स में लेट सपोज। यहाँ पर हम एक और फंक्शन का यूज़ करेंगे, दैट इज़ वैल्यू फंक्शन का। वैल्यू फंक्शन क्या करता है, वैल्यू फंक्शन जो भी आपने यहाँ पर सेल में पैरामीटर में पास किया है उसकी वैल्यू को असाइन कर देगा किस में, एक्स में, और हम प्रिंट करवा लेते हैं वैल्यू ऑफ एक्स। इसको मैंने किया एग्जीक्यूट और हमारे पास वैल्यू आई है रोल नंबर। इसको चेक करते हैं, शीट वन हमने सेलेक्ट किया हुआ था और देखिए रो कौन सा था, रो वन एंड कॉलम टू, रो वन इज़ दिस एंड कॉलम टू इज़ दिस। यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग चल रही है रो एंड कॉलम की, वो क्या चल रही है, वन से। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड होता है, अगर आपको कोई वैल्यू को प्रिंट कराना है किसी सेल की वैल्यू को, कैसे प्रिंट करवाते हैं हम लोग लिखते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट किस में था, शीट वन के लिए एस में, तो हम लिखेंगे एस और यहाँ पर हम पास करेंगे वो सेल जिसकी वैल्यू आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ ए टू की वैल्यू प्रिंट करवाना एंड डॉट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने यूज़ किया था सेल फंक्शन का, एंड जिस पर्टिकुलर रो एंड कॉलम की वैल्यू मुझे प्रिंट करवानी थी वो मैंने यहाँ पे पास किया था, एंड देन डॉट वैल्यू मैंने यूज़ किया था। अभी मैंने इंस्टीड ऑफ यूजिंग सेल फंक्शन हमने क्या लिखा है, एस, और हमने यहाँ पर ब्रैकेट में पास किया है उस सेल की वैल्यू जिसकी वैल्यू हम चाहते हैं प्रिंट करवाना। एग्जीक्यूट किया हमने तो आउटपुट में हमारे पास आया है दीपाली। इसको देखते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं ए टू की वैल्यू क्या है, सेल ए टू की वैल्यू, सेल ए टू की वैल्यू है हमारे पास दीपाली, ठीक है। तो इस तरह से आप, ये आपके पास दोनों मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आप किसी इंडिविजुअल, किसी सिंगल सेल की वैल्यू कैसे प्रिंट करवाएंगे। अभी हम चाहते हैं मल्टीपल वैल्यूज़ को प्रिंट कराना, मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यू को प्रिंट कराना, मल्टीपल रोज़ की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर लूप का। इसमें मैं चाहती हूँ ए कॉलम की सारी वैल्यूज़ को प्रिंट मुझे करवाना है, तो इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि कितनी रोज़ अवेलेबल हैं, ताकि हम क्या कर सकें, इस ए कॉलम की सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकें। तो उसके लिए हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं, एक फंक्शन होता है हमारे पास प्रिंट एस डॉट, अगर आपको मैक्सिमम रोज़ का पता करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम रो फंक्शन का यूज़, एंड ऐसे ही अगर आपको मैक्सिमम कॉलम्स चाहिए तो हम लोग यूज़ करते हैं मैक्स कॉलम का यूज़। इसको एग्जीक्यूट किया, तो उससे पहले हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास देखिए वैल्यूज़ आई हैं, मैक्सिमम रोज़ आई हैं 5 और कॉलम आए हैं 4। देखते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं, मैक्सिमम रोज़ आई हैं 5, तो हमारे पास 5 रोज़ हैं, और कॉलम्स कितने आए हैं 4, हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। हमें क्या करना है, टू प्रिंट ऑल द वैल्यूज ऑफ अ गिवन कॉलम। अब एक हम लूप लगाएंगे फॉर आई के लिए, फॉर आई इन
रेंज फंक्शन का यूज़ करेंगे जो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वन से लेके जो आपके पास डी आया है प्लस वन तक। हमने डी प्लस वन क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है रेंज फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जाता है, वन से लेके एन माइनस वन तक। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं सिर्फ डी तो ये क्या करेगा, लूप चलेगा सिर्फ वन टू थ्री तक, जबकि डी की वैल्यू कितनी है, फोर है। ठीक है, तो हमें क्योंकि फोर्थ कॉलम की वैल्यू भी चाहिए तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी प्लस वन। नाउ हम लोग प्रिंट करने के लिए, किसी सेल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दो मेथड थे हमारे पास, एक तो सेल फंक्शन का हमने यूज़ किया था या फिर हम डायरेक्टली उस सेल की वैल्यू देते थे। बट यहाँ पर क्योंकि सेल्स की वैल्यू चेंज हो रही है इसलिए हमें कौन सा फंक्शन देना होगा, यहाँ पे सेल फंक्शन का यूज़ करना होगा, हम इस मेथड का यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम पास करेंगे रो एंड कॉलम की वैल्यू। तो लेट सपोज मुझे प्रिंट करवाना है सेकेंड रो के इन सभी कॉलम्स की वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, रो की वैल्यू कितनी है टू और कॉलम्स क्या हो, ये सभी मेरे पास प्रिंट हो। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे रो इज़ इक्वल्स टू टू रहेगा क्योंकि ये फिक्स है, और कॉलम की वैल्यू चेंज होगी, और वैल्यू चेंज होकर कितनी जाएगी, आई एंड डॉट वैल्यू। इसको हमें क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे दे देंगे प्रिंट स्टेटमेंट। अब इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो देखिए आपके पास आउटपुट आ गया है दीपाली टू एम बी डी सी, ये आ गई है आपके पास दीपाली टू एम बी डी सी। इसी तरह से आप अगर चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए सारी रोज़ की वैल्यू को प्रिंट करवाना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम रोज़ की वैल्यू। अब यहाँ पर रो की वैल्यू वेरिएबल रहेगी और कॉलम जिसकी भी वैल्यू आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, लेट्स सपोज कॉलम टू की वैल्यू हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, और हमने किया इसको एग्जीक्यूट, तो देखिए आपके पास आउटपुट आ गया रोल नंबर 2579, क्योंकि हमने कॉलम टू के लिए, कॉलम टू के लिए हमने ये सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाया, रोल नंबर 2579। ठीक है, तो इस तरह से हमने मल्टीपल वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रिंट करवाया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या सीखा आज, कि आप कैसे रीडिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं किसी एक्सेल फाइल से यूजिंग ओपन पाई एक्सेल मॉड्यूल। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लेंदी हो गई है, तो इस वीडियो का मैं पार्ट टू बनाऊंगी जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल द राइट ऑपरेशंस ऑन एन एक्सेल फाइल यूजिंग ओपन पाई एक्सेल मॉड्यूल। ओके गाइस, आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक।